भाई हमें जहाँ आना था यहाँ से देखो, यहाँ से केबल का गाड़ी जा रही है, यहाँ से हम आए थे, ये रही एंट्री, यहाँ से बस ये है, यहाँ और कुछ नहीं है, यहाँ पे मैगी वैगी मिलेगी, घूमने का सीनरी है बस, ये फेज वन था और फेज टू वो है, देखो सामने वो बर्फ की चोटी दिख रही है, आ वाला टावर बड़ा सा, ये केबल कार जा रही है, केबल दिख रही है वो है, लेकिन वो अभी बंद है क्योंकि शायद ये बता रहे कल ईद है, इस चक्कर में बंद है। फोटो खत्म नहीं हो रही भाई साहब, अरे हो गई, खींच ली मैंने, अरे बहुत हो गई, ये परेशान कर दिया मुझे, ब्लॉग नहीं बना दे रहे जब से, फोटो खींचो। एल्टीट्यूड है यहाँ का 3025। पाकिस्तान का क्या बता रहा है, इसके पहाड़ के पीछे, हाँ दो पहाड़ क्रॉस करने पड़ेंगे। बचपन में यही रहते थे, ऊपर से बारूद आ गया था। अच्छा भाई साहब, लड़ाई होती थी, लड़ाई यार होती रहती है, यहाँ तो कश्मीर है ना, चलता ही रहता है, बारूद आता रहता है। गोलाबारी चलती रहती है। भाई भेलपूरी खा लो, भेलपूरी खाते 50 रुपये, 50 10 रुपये वाली भेलपूरी 50। ये महंगी इसलिए क्योंकि ये नीचे से लेके आते हैं, एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है और ये पैदल आते हैं, इनको केबल में लाओ बेचारे। फोटो की चालू क्या, 50 रुपये फोटो का, खाना देना पड़ता है, ये समझ के फोटो खिंचा रहे, कोई लेके तो जा नहीं रहो, लेके तो नहीं, मेर में कितना वजन है, जब वजन होता है ऐसे करो, तीनों के 100 रुपये ले लेना, एक दो तीन, तीनों के 100 रुपये, 100 रुपये में नहीं होगा, वो दे तो रहा है 100 में 2 दे रहा है, लेकिन 50 का एक है ना, हमें 100 में 3 में चाहिए, कोई बात नहीं, घोड़े लेकिन यार महंगे महंगे आते हैं, लाख 2 लाख क्या हो गया भाई, सिटी के बजा रहे रॉकी भाई बता रहे भाई इख्तियार को, हाँ हाँ ये तो लग रहा है सही, इसमें लग रहा है भाई, ये हॉर्स राइडर ये मस्त आ रही है, क्या बात, फोटो मस्त आ रही है, नहीं हो गया, शुक्रिया भैया, शुक्रिया, ईद का दे दिया, ईद मुबारक, हाँ लो तुम्हारे साथ खींचते हैं फोटो, बीच में लाइट गई भाई, उतर गई भाई, लाइट चली गई, ये सही है भाई, लाइट गई तो रुक ही गया बीच में ही है, दिल की धड़कन जो तेज थी ना वो शांत हो गई है। वो अच्छा सा लग रहा है, लाइट जाके लग रहा है, वो क्या आ गए भाई हम केबल कार में यार, लेकिन इतना मजा नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि केबल कार में जाके ऊपर कुछ अच्छा सा सीनरी, रिवर, लेक, वाटरफॉल कुछ तो होगा, वाटरफॉल वगैरह कुछ भी नहीं था, बस केबल कार का ही था, और इतनी भीड़, पता पागलों की तरह लोग जा रहे हैं, लेकिन ठीक है यार, अब हो क्या आ गए, अब रिग्रेट क्या करना, अच्छा था, कोई नहीं, केबल कार का तो था ही थोड़ा बहुत मजा, आज का भी कोटा पूरा हुआ, ये वाला ये जो बंद कर रखा है ना, ये आइस किंग है, यहाँ पे मतलब स्किंग वगैरह होती है, पूरा बंद कर रखा है और अभी पानी वगैरह भी है इसमें, इस पर लिखा होगा, अभी था तो मैंने बोर्ड पढ़ा था, आइस स्केटिंग रिंक, आइस हॉकी एंड आइस स्टॉक, अच्छा अभी पानी भरा है, सर्दियों में जम जाता होगा पूरा, नहीं इस सीन में भाई साहब, ये घोड़ा कितने प्यार से अकेला घोड़ा खड़ा हो, क्या प्यारा सीन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई पेड़ कैरेक्टर है, एटीट्यूड वाला लौंडा, मेरा मानो ना, मैं 2 बार आ चुका तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ मत करो कुछ भी, मतलब हॉर्स राइडिंग वगैरह अगर तुम्हारे मन में है तो करो, सिंपल यहाँ की ये जो नज़ारे हैं ना प्यारे प्यारे, मेन मेन नज़ारे, यहाँ जाओ घास में बैठो, वहाँ अपना जो भी तुम्हें चाहिए स्नैक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने पास ला के रखो और खाते रहो भाई, सो जाओ, इतना मज़ा आएगा ना, छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आता, और ये भाई ये मिथ है बहुत बड़ी कि यहाँ मुस्लिम ही आ सकते हैं, यहाँ कोई अलग रिलीजन के आएंगे, हिंदूज आएंगे या फिर कोई भी आएगा तो गोली मार दी जाएगी या फिर खतरा रहेगा, सैनिक खड़े रहेंगे, पाकिस्तान वाले हमला कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पहले के मुकाबले कश्मीर इतना सेफ हो चुका, हर जगह तुम्हें CRPF मिलेगी, यहाँ की पुलिस फोर्स भी मिलेगी, हर जगह CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सब हिंदी बोलने वाले, सब हमारे स्टेट के ज़्यादातर पंजाब यूपी बिहार यहाँ के मिलेंगे, पिछली बार हम सब जगह गए थे, पहलगाम गए थे, सोनमार्ग गए थे, लेकिन गुलमार्ग नहीं गए थे, अगली बार गुलमार्ग भी हो गया,
श्रीनगर बीच में है, पहलगाम राइट साइड में है 60 किलोमीटर, सोनमार्ग उस श्रीनगर के लेफ्ट साइड में 60 किलोमीटर, पहलगाम राइट और लेफ्ट के बीच में अलग है 60 किलोमीटर, सब मतलब 60-70 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, लेकिन सब अलग अलग डायरेक्शन में है। तुम्हें अगर स्टे करना है तो श्रीनगर बीच में स्टे करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आते जाते जाओ। हम गुलमार्ग से वापस यहाँ श्रीनगर आ चुके हैं और ये हमारा छोटा सा कमरा, हम रात में आ गए थे लेकिन मैं आप दिखा रहा हूँ क्योंकि रात में लेट हो गए थे। आज है ईद तो सबको ईद मुबारक, और हमने ये पहन रखा, मैंने तो पठानी सूट पहन रखा, तुमने क्या पहन रखा? ए नॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखा। हटो तो मेरे को दिखाने दो, पहले मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ, हट जाओ। दो मिनट बना दो, बनाओ दो, दो मिनट बना दो, दो मिनट। हमने ईद बना ली और आ चुके हैं पहलगाम। राफ्टिंग के लिए आए थे हम पहलगाम में, तो राफ्टिंग अभी बंद है क्योंकि पानी का बहाव तुम देख लो भाई, ऐसे चलते हैं नीचे। ये भी हिल रहा भाई, ऐसा लग रहा है गिरने वाला है, बस आ रही होगी आवाज पानी की, है ना, बहाव बहुत पकड़ा यार भाई साहब। यह आया था राफ्टिंग के लिए, अब बंद है राफ्टिंग बहाव के चक्कर में, तो इसका वापस मुंह सूज गया। हमारा लेह लद्दाख का प्लान बन रहा था, लेकिन ले फिर बाद में यार यहाँ से 10 घंटे का रास्ता 400-450 किलोमीटर था, तो हमने बोला यार बहुत दूर पड़ गया यार, क्या करें, लग रहा हूँ ना मस्त। अरुण वैली भाई साहब क्या खतरनाक जगह भाई, आज मैंने पहाड़ों पे ड्राइविंग करी, मज़ा आ गया। ऊपर यहाँ जाना मना है क्योंकि अभी कोई शूटिंग चल रही है, पता नहीं इस वजह से नहीं आने दे रहे, गाड़ी हमने वहाँ खड़ी करी है। वहाँ पे कोई ना कोई रील बना रहा है, कोई क्या कर रहा है यार, मैगी मिलेगी, देखो कबूतर अंकल के रख दिया, 100 रुपये ले लेंगे इसके। है नहीं, अरे लड़ो मत। और भाई बस कौन सी मुन्नी? अरे बजरंगी भाईजान की। अच्छा वो यहीं पे शूटिंग हुई थी वो? मा करके दो। अच्छा पीछे ही था वो अरुवेली के उस तरफ है, थोड़ा थोड़ी से जाना पड़ेगा। जो मुन्नी का पूरा पास्ट दिखाया था ना, इसकी मम्मी वो खेती बाड़ी करते हैं, वो गिर जाती है, घूम। अच्छा वो यही था, सब यहाँ रिकॉर्ड हुआ इसका। चल के आते हैं यार थोड़े से, और कुछ तो करने को है नहीं, थोड़ा टाइम पर घोड़ा का घर, घोड़ा वाला कितना पैसा मांगता है वो, उसको घुमाने लग गया बच्चे को, बाद में बताएगा, बाद में बताएगा क्या, तू घुमा ले भाई, आरो नहीं जाना है, ऐसा बताओ तो मैं शूटिंग बता रहे हैं, बजरंगी भाईजान की शूटिंग बनी अभी, किसकी शूटिंग हो रही है, यहाँ पे चल रहा था वो, पता नहीं साउथ की, साउथ की मूवी, साउथ की मूवी चल रही है, कौन सा एक्टर पता नहीं, एक्टर का पता नहीं, उसका लगता है 1200 पर पर्सन। अभी तो वो डिस्काउंट दे रहा था, 60% डिस्काउंट दे रहा था, कितना बोल रहा ईद का, हम गए नहीं 1200 में, नहीं 1201 बता रहे थे, अब ईद का ऑफर बोल के 1200 में दो, 600 का एक, 1200 में तीन पास में, अबे 12वीं में पढ़ रहा है, 12th पास बता रहा है, तुम क्यों बताते हो ऑडियंस को? मम्मी कह रही है नहीं जाना, घोड़े स्लिप हो जाएंगे वहाँ पे, अगर हम जाएंगे उस बजरंगी भाईजान वाली शूटिंग की जगह पे तो लेट हो जाएगा हमें बहुत ज्यादा। तूने पकौड़े लिए कितने के लिए? 150 का है, सिर्फ इसके पैसे नहीं है, ये सीन के साथ खाने के पैसे हैं। जब भी भाई खतरा तो यहाँ, जो बंदा यहाँ से पिछला वो पिछला ही पिछला, बस गया वो। एक बात है कि भाई कश्मीर में ना तुम आए हो ना, ऐसा नहीं कि तुम प्रॉपर तुम्हारे वो नेट पे सर्च कर लो उसी डेस्टिनेशन पे जाओ, या तुम्हें बीच में कोई सीनरी दिख रही है तो वहाँ मत रुको, गाड़ी से जाओ पर्सनल करो बेहतर है, पैसे बचेंगे, और जहाँ तुम्हें नदियाँ दिखे बीच में कोई सीनरी दिखे तो वहाँ गाड़ी रोक लो और वहाँ जाके नीचे बैठ जाओ, वहाँ जो सुकून आएगा, क्योंकि मेन मज़ा वहाँ पर ही है, यहाँ स्पॉट में आके मेन डेस्टिनेशन पे आके यहाँ इतना मज़ा नहीं, जहाँ पे वहाँ सुनसान बैठे रहो अकेले मज़ा आएगा समय सही में। यहाँ पे एक होटल है, पता नहीं कैसे बना रखा है लेकिन बना रखा है, 8-10 हज़ार रुपये भाई वन नाइट का चार्ज है, 8-10 हज़ार रुपये भाई, क्योंकि हाइट में भी बना रखा है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सारे चार्ज कर रहे हैं भाई, लेकिन रूम्स भाई एक भी अवेलेबल नहीं है, सब कपल्स ने ले रखे हैं। ओहो यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टे कर रहे हैं टेंट लगा के, क्या हो गए कितने का है? तो 4000 का लेकिन है ही नहीं, एक भी खाली नहीं है, एक भी खाली नहीं है, रूम तो शानदार है, बेड हाँ छोटा सा है लेकिन बेड है, इतना चाहिए होता है ना इंसान को, क्योंकि मेन मजा तो बाहर ही है, इधर अंदर बस सोना है। तो नहाने धोने किधर होगा? नहाने धोने का है उसमें अलग से, या तो उधर जाना पड़ेगा पब्लिक का, कह रहे हैं लेकिन पानी नहीं है हम पे, पानी की कमी है, अगर इतना ही हम ले सकते हैं जितने का हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेगा पानी का? उन्होंने तो सोलो कैंपिंग कर रखी है, अपना लाए होंगे सामान वगैरह पूरा, चलो कोई नहीं आगे नीचे जाएंगे रिजॉर्ट मिलेगा। ये होटल है भाई जहाँ आज हम रुकेंगे,
अच्छा वो वाले टेंट आर्मी के ये सारे जब भी वाई फाई नहीं लगवा दे रहे भाई। सही में यार क्या होटल लिया भाई, मैं दिखाता हूँ। बीच में लिया यार, सस्ता का सस्ता सही पड़ गया। और गाड़ी बिल्कुल हमें मस्त लग रही है, ये पहाड़ों के बीच में। ये देखो मैं सारा दिखाऊँ एक बार यार, मजा आ गया यार। क्या ओ ये मस्त है ना, ये खींच 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 बढ़िया से खींच। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हो गया एक तो रैंडम सही आई होगी, एक रैंडम तो सही आई होगी। फोटो देखो तुम भाई, देख ऐसे मुरी मुरी डिलीट कर तो कैसे पक जाओगे तुम। सुबह से भाई मुझे ना 10 लोग कश्मीरी बोल चुके हैं, 10 लोग नहीं मतलब 6-7 एस्टिमेटेड 6-7 भाई, मतलब जब से ट्रिप चालू हुई है तब से। एक तो ऐसा लगा शुरू में आते ही बोलते हैं खासी को, लेकिन मतलब कश्मीरी में बात करने लगे। मैंने 10 बार बोला भाई मैं कश्मीरी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ लेकिन कश्मीरी नहीं हूँ, मैं हूँ दिल्ली का। तो अब जाके वहाँ पे बोले भैया आपको कश्मीरी आती है, मैं बोली ऐसा ना उसे लग रहा है कि कश्मीरी आती है। कोई नहीं, कॉम्प्लीमेंट मिला बहुत बढ़िया। अब भाई फोटोज वगैरह कुछ सही नहीं आ रही, अब चल रहे होटल में खत्म, बस रात हो चुकी है ना इसलिए। यार होटल में मतलब अंदर शूज ये चप्पल अलाउड नहीं है, यहाँ बाहर निकाल दो सबके। अच्छा यार पैदल में मजा आता है, चलो ऊपर चलते हैं।